चलो वन मोर क्वेश्चन है, कंप्लीट द कॉमन साइज रेवेन्यू स्टेटमेंट। ओके ना, अब आपका ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ, ग्रॉस सेल है, सेल्स रिटर्न है 2%, नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मालूम है, बट ग्रॉस प्रॉफिट गिवन 56%, फिर एड ऑपरेटिंग इनकम है। ओके, उसके बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस गिवन, फाइनेंस एक्सपेंस मिसिंग है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है, उसका परसेंट भी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 30% ऑफ NPBT और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, पहले नेट सेल को 100 ले लेते हैं, ए कितना आएगा, 102 आएगा रे, धरती बुझ लो, तो 100 है और 2% इधर लेस दिया, तो उल्टा करें तो ऐड करें ना, तो 102% हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और उसका परसेंट भी दिया हुआ है, तो पहले वो अप्लाई करेंगे 24,000 डिवाइड बाय 4%, तो आ जाएगा नेट सेल कितना आ रहा है, 6 लाख, तो आ गया 6 लाख, तो नेट सेल का अमाउंट आ गया 6 लाख, बराबर है। अब नेट सेल आ गया तो उसके देखो ये सब परसेंटेज दिया, तो अप्लाई कर सकते हम लोग कम से कम, तो 6 लाख इंटू 10%, पहला है 6 लाख का 102%, 6,12,000, 6,12,000 आ गया, बराबर है, 2% 12,000 हो जाएगा, ये आ गया 56% है, 6 लाख का 56% करो, 3,36,000। ओके, अच्छा ये 6 लाख और 3,36,000 है, तो ये माइनस करके आ जाएगा कितना, 2,64,000, 2,64,000 आ गया, बराबर। चलो ये ऑपरेटिंग इनकम में मान लो 5% दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसका भी परसेंट निकाल लो, कितना, 6 लाख का 5% 30,000, बराबर है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, बिफोर टैक्स आ जाएगा, इसका भी कटा दो 3%, 6 लाख का 3% 18,000 आ गया, बराबर। यहाँ देखो एक क्या दिया, 30% ऑफ NPBT, 30% NPBT दिया है, तो क्या करेंगे, कैसे करते हैं हम लोग, NPBT माइनस टैक्स, तो आएगा NPAT, 30% NPBT है, NPBT को 100 ले लो, उसका 30% टैक्स, तो हो गया 70। अब क्या करूँ, ये 2,10,000 है आफ्टर टैक्स, 2,10,000 आफ्टर टैक्स है, 30 × 2,10,000 अपॉन 70, नब्बे हजार, बराबर। चल तो आ गया टैक्स का 90,000, तो कितना आएगा, 2,10,000 से माइनस हुआ है तो 3 लाख ना, 3 लाख हो जाएगा,
बराबर। चलो अब कैसे आएगा, ये 3 लाख है, ये लेस करना और ये ऐड करना है। चलो टू 94 294 आ गया बराबर। हम लोग अभी एक अमाउंट और चाहिए, ये वाला अमाउंट कैसे करेंगे, याद रखो इधर पे, ये 336 क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, और उस पर ऑपरेटिंग इनकम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ना, तो ये दोनों ऐड कर लेंगे पहला, राइट। कितना आ गया, 366। अब ओके, टोटल 366 है, ये 366 में टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करूँगा मैं, तो क्या आएगा मेरा, ये 294 आएगा। ये मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 22 डालता हूँ सेलिंग एक्सपेंस को, तो मेरा रफली समझा तो एडजस्ट होएगा नहीं। चलो पहले क्या करो, फोर्थ काम 336,000 प्लस 30,000, कितना आ गया, 366,000 बराबर ना, तो 366,000 माइनस 294 कर दो, सेवेंटी टू थाउजेंड क्या है, तो बोलेगा मेरे को, तो है माइकल बोलने के 72 क्या है, कोई नहीं है, मैं हूँ ना, तुम्हें गुड़ दोगे रे, ये पूरा टोटल ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम में से पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेंगे तो हम लोग आएगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3 पार्ट है, ये तीनों को मिला के क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो 72 था ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ग्रॉस प्रॉफिट उसका ऐड ऑपरेटिंग इनकम होता था, ऐड करने के बाद हम लोग लिखते हैं लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये तीनों का ऐड करते और टोटल करते हैं, तो तीन वो जो 3 आइटम है उसका टोटल को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते तो आता ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, तो जो 72,000 है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से हम लोग को 2 आइटम मालूम है, कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटिव का कितना मालूम है, 38, सेलिंग का कितना मालूम है, 22, तो बाकी बचा हुआ आइटम क्या रहेगा, फाइनेंस का, कितना आ गया ये, 60,000, तो इसका तो 12,000 बच जाएगा ना, और तो 12,000 रुपये क्या रहेगा, फाइनेंस का आइटम रहेगा। ये यहाँ पे टोटल, तो इस टोटल में से 294 लेस किया तो इधर बीच का आइटम आ गया, आपके एक आइटम नहीं है, अब उसमें 3 आइटम है, तो ये जो आंसर इसको इसमें से इसको लेस करूँगा तो ये टोटल आएगा बीच वाला, कितना, 72, अब वो 72 में 3 आइटम है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस, F2। चलो तब ये क्या आ जाएगा, 12,000। अब आपको सारा आइटम मिल गया, अब क्या करेंगे, परसेंट निकालना है, कैसे करेंगे, 100 डिवाइड बाय नेट सेल, नेट सेल कितना है, 600 इंटू ईच अमाउंट इक्वल टू, कौन कौन सा बाकी अपने को, ये 264 का बाकी है, करो 44% बाकी का नहीं करोगे, 6.33, 22 का 3.67 कर दो, 12 का 2%, और ये 294 का 48.99, अब ये 48.99 तो 49 हो जाएगा ना, 49, 3 लाख का 50%, 90 का 15%, 2 लाख 10 का
35 बस। तो पहले हम लोग ने जो अमाउंट दिया था उसको डिवाइड करके नेट सेल मिल गया। अब 6 लाख इंटू कर परसेंटेज जो दिया वो सब कर लो पहला। उसके जो टैक्स का दिया 30% वाला वो अप्लाई करो, उससे नेट पर बिफोर टैक्स आया। अब उल्टा जाओ, जो माइनस था प्लस करो, जो पहले प्लस था वो माइनस करो। अब ध्यान रखना है कि जो ऊपर का टोटल है उसमें से ये टोटल लेस करूँगा तो बीच का आंसर आएगा। बीच का वो अकेले का आंसर नहीं, वो तीनों का आंसर है। अब वो 372 था, 3 आइटम है तो उसमें से 2 आइटम मालूम है, तो तीसरा आइटम है 12,000। उसको